Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to do chapter number 9, House of Hundreds Second. This is part 1 of this chapter. So we are going to start this new chapter from Maths Mela class 3 new NCERT. Abhi tak humne 8 chapters cover kar liye hain. All links are there in the description box. Please go through that. Let us just start with this chapter, that is House of Hundreds Second. So let us just study the story given here. One day, Akbar and Birbal were walking in a garden. Many crows were flying in the sky around them. Akbar was curious to know how many crows there were. He announced a prize for anyone who could find this out. एक दिन अकबर और बीरबल अपने गार्डन में घूम रहे थे. वहां बहुत सारे कौवे उड़ रहे थे. अकबर बहुत ज्यादा क्यूरियस हुआ जानने के लिए कि टोटल कौवे हैं कितने. तो उसने एक प्राइज अनाउंस किया कि जो भी बताएगा टोटल कौवे कितने हैं तो वह उसे प्राइज देगा. नाउ पीपल वर वंडरिंग हाउ टू काउंट क्रोज विच केप्ट फ्लाइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अकबर आस्क्ड बीरबल इफ ही कुड फिगर दिस आउट. लोग सोचने लगे हम कैसे कौवे गिन सकते हैं, कौवे तो कभी यहाँ से वहां उड़ते रहते हैं, वो एक जगह तो रहते नहीं. तब अकबर ने बीरबल की मदद मांगी. सो आफ्टर थिंकिंग फॉर अ डे बीरबल सेड देर आर एग्जैक्टली 963 क्रोज इन आर सिटी. बीरबल ने एक दिन सोचा और सोचने के बाद राजा को कहा कि हमारे राज्य में पूरे 963 क्रोज हैं. उसके बाद अकबर वॉज सरप्राइज्ड एंड आस्क्ड बीरबल हाउ कैन यू बी सो श्योर. अकबर ने सरप्राइज होकर बीरबल से पूछा तुम इतना श्योर कैसे हो सकते हो कि एग्जैक्ट नंबर बता रहे हो. यू कैन गेट देम काउंटेड सेड बीरबल. बीरबल ने कहा अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप काउंट कर लो. सो फिर अकबर ने कहा वॉट इफ देर आर लेस, क्या होगा अगर कम हुए तो. तो बीरबल कहते हैं द अदर क्रोज वुड हैव गॉन ऑन अ हॉलीडे, बाकी के कौवे छुट्टी मनाने के लिए कहीं और गए होंगे अगर कम हुए तो. व्हाट इफ देयर आर मोर, आस्क्ड अकबर. अकबर ने कहा जो भी तुमने नंबर बताया है उससे ज्यादा हुए तो क्या होगा. तो बीरबल ने कहा क्रोज फ्रॉम अदर प्लेस वुड बी विजिटिंग द सिटी. इसका मतलब ये होगा कि बाकी जगह के जो कौवे हैं वो हमारे राज्य में घूमने आए हैं, लेकिन एग्जैक्ट कौवे तो हमारे राज्य के यही हैं जो मैंने नंबर बताया. अकबर वॉज हैप्पी विद बीरबल्स रिप्लाई एंड गेव हिम द रिवॉर्ड. अकबर बीरबल के आंसर से बहुत खुश हुए और उन्हें प्राइज दिया. क्या लगता है आपको, बीरबल ने एग्जैक्ट कौवों का नंबर बताया होगा? नहीं, वो तो एक बुद्धिमानी से भरा हुआ आंसर था, क्योंकि कोई भी पक्षियों को काउंट नहीं कर सकता जो कि पालतू नहीं है, जिन्हें हम पाल नहीं रहे, राइट? इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है. सो इसी तरीके से हम स्मार्टली किसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं. तो इसमें काउंटिंग से रिलेटेड चीजें हैं. आगे हम देखते हैं क्या करना है. सो लेट अस डू व्हाट आर यू कैरिंग, हाउ मेनी आर देयर. ये बच्चा पूछता है इस आदमी से कि आप क्या ले जा रहे हैं गाड़ी पर और ये कितने हैं. सो ये आदमी कहता है आई एम कैरिंग राइस, आई विल शो यू हाउ मेनी सैक्स आई हैव यूजिंग दीज टाइल्स. मैं चावल की बोरियां ले जा रहा हूं और कितनी बोरियां हैं ये मैं आपको टाइल्स का यूज करके बताऊंगा. तो देखो जितनी भी 100 की हैं वो उसने बड़ी टाइल्स बनाई हैं. 1 2 3 4 5 6 यानी 600 हैं. 1 2 3 थ्री टेंस है एंड 1 2 2 वंस है. तो क्या नंबर बना, 632. सो बड़ी वाली टाइल्स 100 रिप्रेजेंट कर रही है, लंबी वाली टाइल्स टेंस और छोटा सा जो स्क्वायर है वो यूनिट डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो 632. अब नेक्स्ट है वी हैव टू ड्रॉ टाइल्स लाइक द ड्राइवर टू शो द फॉलोइंग नंबर्स. यू कैन डू इट इन योर नोटबुक. हमें भी उसी तरीके से जैसे ड्राइवर ने टाइल्स ड्रॉ करके नंबर बताया, हमें भी उसी तरीके से करना है. ओके सो पहला है 832. 800, थ्री टेंस एंड टू वंस. ऐसे 947, 900s, फोर टेंस एंड सेवन यूनिट्स. फिर 726, 700, टू टेंस एंड सिक्स यूनिट्स. 504, सो 500s, इसमें टेंस की जगह जीरो है तो कुछ नहीं बनाएंगे एंड फोर यूनिट्स. फिर 620 में 600 है, टू टेंस है और यूनिट प्लेस पे जीरो है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे. फिर 700 में 700s है लेकिन टेंस और वंस की जगह जीरो है तो कुछ भी नहीं आएगा. ओके सो इस तरीके से हम टाइल्स ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट है लेट अस लोकेट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन. हमें कुछ नंबर्स दिए, उनको नंबर लाइन पे हमें लोकेट करना है, उससे
सबसे पहले ये नंबर लाइन को हम फिल कर लेते हैं। जैसे पहला है 500, उसमें 20 ऐड किया तो 520, फिर 20 ऐड करेंगे तो 540, फिर 20 ऐड किया तो 560, फिर 20 ऐड किया तो 580, देन 600, देन 620, देन 640, देन 660, देन 680 एंड देन 700। तो 20 20 हमने ऐड किया है नंबर लाइन कंप्लीट करने के लिए। अब ये नंबर लाइन कंप्लीट हो गई, अब जो ऊपर नंबर है उनको कहां पर वो आएंगे वो हमें रिप्रेजेंट करना है। तो पहला है 530, 520 और 540 के बीच में आएगा 530, फिर 540, ये रहा, यहाँ पे हम सर्कल करेंगे या यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर 628, तो 620 और 640 के बीच में आएगा, है ना। फिर 696, ये 680 और 700 के बीच में आएगा, राइट। 680 से बड़ा है और 700 से छोटा है। फिर 590, ये 580 और 600 के बीच में आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है, ऑल्सो लोकेट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो चलिए पहले नंबर लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ 695, फिर 20 ऐड किए तो 715, फिर 20 ऐड किए 735, फिर 20 ऐड करेंगे 755, फिर 775, 795, फिर 815, फिर 835, 855, 875, 895। हर दो नंबर के बीच में 20 20 का गैप है। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 703 कहां पर आएगा, तो 695 और 715 के बीच में आएगा। फिर 721, ये 715 और 735 के बीच में आएगा। फिर 759, ये 755 और 775 के बीच में आएगा। फिर 810, वो 795 और 815 के बीच में आएगा। फिर 855, ये 835 और 875 के बीच में, ये रहा। फिर 887, वो 875 और 895 के बीच में आएगा। ओके, सो कौन सा नंबर किससे बड़ा है और किससे छोटा है, उस हिसाब से हम उसका लोकेशन तय करते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस थिंक, राइट द अप्रोप्रिएट नंबर बिटवीन विच ईच ऑफ गिवन नंबर लाई। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, अब हमें बताना है कि इनके नेबरिंग 100 कौन से हैं, नेबरिंग 50s कौन से हैं और नेबरिंग 10s क्या हैं। तो देखिए कैसे देखते हैं, पहले ये समझ लेते हैं फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। सो ये 101 से 200 तक की काउंटिंग आपके सामने लिखी हुई है। 101 से पहले क्या आता है 100, उसके बाद आता है 101, है ना, और लास्ट में यहाँ दिया हुआ है 200। अब ये इन 200 के बीच में एक नंबर ले लेते हैं, जैसे लेट से 145 मैंने ले लिया। अब इसके नेबरिंग 100 कौन है, नेबरिंग 100 मतलब इसके आसपास कौन कौन से 100s आते हैं। तो इस साइड आता है 100 और इस साइड आता है 200, यानी इसके नेबरिंग 100s हैं 100 एंड 200। जो दोनों साइड के 100 वाले नंबर हैं वो आ जाएगा नेबरिंग 100। अब नेबरिंग 50s यानी किन दो 50s के बीच में 145 आता है, तो देखो 100 और 150 के बीच में 145 आता है। अगर 150 से बड़ा कोई नंबर होता, मान लो 176, तो इसके नेबरिंग 50 कौन कौन होते, ये 150 और 200 के बीच में आता है, क्योंकि 150 से बड़ा है और 200 से छोटा है। अभी हम 145 को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये 100 और 150 के बीच में आता है, तो ये इसके 50s नेबर हो गए। अब 10s नेबर कैसे पता करते हैं, तो 145 से पहले कौन सा 10s है, 140 के बाद काउंटिंग शुरू की, 141, 142, 143, 144, फिर आया 145, और नेक्स्ट टेंस क्या है 150, तो 145 150 से छोटा है और 140 से बड़ा है। तो इसके दो टेंस नेबरिंग नंबर्स कौन से हो गए, 140 और 150, इनके बीच में 145 आता है। तो नेबरिंग 100s, नेबरिंग 50s और नेबरिंग 10s कैसे निकालते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब फटाफट इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे पहला है 468, तो ये 400 से बड़ा है और 500 से छोटा है। इसके नेबरिंग 50s है 450 एंड 500, क्योंकि 450 से बड़ा है और 500 से छोटा है। फिर 460 और 470 के बीच में आता है, सो 183, ये 100 और 200 के बीच में आएगा। इसके नेबरिंग 50s है 150 एंड 200, अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये इन दोनों के बीच में आएगा। फिर 10s क्या है, 180 के बाद आएगा लेकिन 190 से पहले आएगा। फिर 345, 300 और 400 के बीच में आएगा, 300 और 350 के बीच में आएगा, क्योंकि 345 350 से पहले आता है। फिर इसके 10s क्या है, 340 एंड 350, ठीक है। फिर 693, 600 और 700 के बीच में आता है, नेबर्स है 650 एंड 700, इसके 50s नेबर्स हैं, इनके बीच में ये आता है।
फिर 690 और 700 इसके टेंस नेबर्स हैं, फिर 734, 700 और 800 के बीच में आता है, 700 एंड 750 इसके 50s नेबर हैं एंड 730 एंड 740 इसके टेंस के नेबर्स हैं, फिर 899 ये 800 और 900 के बीच में आता है, 850 और 900 इसके नेबरिंग 50s हैं एंड 890 के बाद और 900 से पहले आता है 899, तो ये दोनों इसके नेबरिंग टेंस हैं। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, हेल्प क्रेन्स रीच देयर फूड यूजिंग द नंबर लाइन। ये क्रेन है, इसको अपने फूड के पास पहुंचना है, तो पहले देखते हैं ये वॉर्म इस कीड़े के पास कैसे पहुंचेगी। तो ये अभी कहां पर है, 667 पे, राइट, 670 से तीन स्टेप्स पीछे है। अब कह रहा है कि कितने स्टेप्स पीछे जाएगा, तो 650 यानी वॉर्म के पास पहुंच जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 यानी 17 स्टेप्स पीछे जाएगा तो ये पहुंच जाएगा वॉर्म के पास। तो 667 माइनस 17 इज 650। तो कितने कितने के लेंथ के स्टेप्स लिए हमने, दो दो, एक बार में दो कदम चले। ऐसे ही आगे देखते हैं, अब फिश के पास जाना है, तो अभी वो 667 पे है। अब देखो तीन स्टेप किया तो कहां पहुंच जाएगा, 670 पे, फिर 670 से 680 10, फिर 680 से 690 10, फिर 690 से 710। सो 3 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 33, यानी 667 में 33 ऐड किया तो 700 यानी फिश के पास पहुंच जाएगा। तो कौन कौन से स्टेप्स हमने लिए, एक बार 3 का जंप लिया और बाकी हमने 10 के जंप्स लिए, राइट। ऐसे ही नेक्स्ट है, अब क्रेन को यहां पर पहुंचना है वॉर्म के पास, कीड़े के पास पहुंचना है। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, 775 से कितनी पीछे है, 1 2, यानी 773 पे ये अभी है। अब कितने स्टेप्स पीछे गए, तो 1 2 3 पीछे गया तो 770 पे पहुंच जाएगा क्रेन, और फिर 10 पीछे और 10 पीछे यानी 10 प्लस 10 प्लस 3, 23 स्टेप्स पीछे जाएगा तो 750 पे पहुंच जाएगा। सो लेंथ कौन कौन से लिए हमने स्टेप्स, एक बार 3 की छलांग ली और दो बार हमने 10 का जंप लिया, है ना। अब ये फिश के पास जाना है तो 773 पे है क्रेन अभी, राइट। अब हम दो आगे गए तो 775 पे पहुंचेंगे, फिर 5 आगे गए तो 780 पे पहुंचेंगे, फिर 10 आगे गए तो 790 पे, फिर 10 आगे गए तो 800 पे। सो 2 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 इनको ऐड करेंगे तो आएगा 27, यानी 773 जहां पे क्रेन अभी खड़ा है वहां से 27 स्टेप्स और आगे जाएंगे तो 800 यानी फिश के पास पहुंच जाएंगे। ओके, इसमें कितने कितने के स्टेप्स लिए हमने, एक बार 2 का लिया, एक बार 5 का लिया और 10 के स्टेप्स लिए, राइट। अब नेक्स्ट पेज पे यहाँ तंबोला गेम दिया हुआ है, इसको कैसे खेलते हैं देखिए। फिल द ग्रिड विद नंबर्स बिटवीन 570 एंड 630। यहाँ पर देखिए नंबर लिखे हुए हैं, 570 से बड़े हैं एंड 630 से छोटे हैं। सो स्ट्राइक आउट ऑल द नंबर्स विच मैच द क्ल्यूज बिलो, जितने भी नीचे क्ल्यू दिए हुए हैं क्ल्यू पढ़ते जाओ, जो जो नंबर मैच होगा क्ल्यू से उसको क्रॉस करते जाना है। यू कैन स्ट्राइक आउट मोर देन वन नंबर, आप एक से ज्यादा नंबर को भी कट कर सकते हैं। द चाइल्ड हु हैज मोस्ट नंबर कैंसल्ड इज द विनर, जो सबसे ज्यादा नंबर को काटेगा या कैंसिल करेगा वो जीत जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्लू है 597, कहाँ दिख रहा है 597, ये रहा, तो इसको जो भी बच्चा पहला क्लू कट करेगा उसका एक नंबर हो जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट उसको मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्लू अ नंबर विद 4, ऐसे कोई भी नंबर जिसमें 4 है उसको क्रॉस करो। सो 1 2, दो नंबर ऐसे हैं जिसमें 4 है, ठीक है, तो ये दोनों क्रॉस कर दिए। नेक्स्ट नंबर बिटवीन 595 एंड 605, जो भी नंबर 595 और 605 के बीच में आते हैं उनको कट करना है। तो एक ये आता है, फिर आता है 600 और फिर आता है 602, तो ये तीन नंबर आते हैं जो 595 और 605 के बीच में आते हैं, राइट। नेक्स्ट है अ नंबर विद 1 एज द टेंथ डिजिट, ऐसे जो भी नंबर है जिनके टेंथ डिजिट पे 1 है उसको हम क्रॉस कर देंगे। तो ऐसे दो नंबर है, यहाँ पे हमने इन दोनों को क्रॉस कर दिया, टेंस डिजिट पे 1 है। फिर है 2 मोर देन 610, तो 610 में 2 ऐड करेंगे तो 612, वो नंबर इसमें है ही नहीं तो क्रॉस नहीं होगा। ऐसे ही 5 लेस देन 625, सो 625 में से 5 माइनस करेंगे तो 620 आ रहा है, 620 है ही नहीं तो हम इसको
क्रॉस कर देते हैं, यानी ये है ही नहीं। तो इस तरीके से गेम खेलेंगे और जो बच्चा सबसे ज्यादा क्रॉस करेगा वो जीत जाएगा। तो आप भी ये गेम खेल सकते हैं। नेक्स्ट है, राइट डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग द फॉलोइंग नंबर्स। देखो बीच में यहाँ 368 दिया है, अब इसको कैसे लिखेंगे? इसमें 300 है, 6 टेंस है एंड 8 वंस है। अब लास्ट में इसमें देखो 68 है, यानी 68 मोर देन 300, यानी 300 से 68 ज्यादा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 32 लेस देन 400, यानी 400 में से 32 माइनस करूंगी तो 368 आएगा, या फिर 300 प्लस 60 प्लस 8, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए बाकी को हम कर लेते हैं। तो 905 में 900 है, 0 टेंस है, 5 वंस है, ये 5 मोर देन 900 है ना। 900 में 5 और ऐड करेंगे तो 905 आ जाएगा। ऐसे ही 95 लेस देन 1000, 1000 में से 95 माइनस करेंगे तो 905 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 900 प्लस 5। नेक्स्ट है 555, तो इसमें 500 है, 5 टेंस है एंड 5 वंस है, ये 55 मोर देन है 500 से, और 600 में से 45 माइनस करेंगे तो 555 आता है। इसको हम लिख सकते हैं 500 प्लस 50 प्लस 5। नेक्स्ट है 736, इसमें 700 है, 3 टेंस है एंड 6 वंस है, सो ये 36 ज्यादा है 700 से। 64 अगर हम माइनस करेंगे 800 में से तो आंसर आ जाएगा 736। इसको हम लिख सकते हैं 700 प्लस 30 प्लस 6। ओके, अब यहाँ पर दिया है स्किप एंड सॉल्व। तेजी एंड जोजो आर रेस्टिंग, अजी आस्क देम टू कंप्लीट द नंबर पैटर्न, लेट अस हेल्प देम फिल इन द एम्प्टी बॉक्सेस। ये पैटर्न्स को हमें फिल करना है, हाफ एक बार में और हाफ एक बार में कर लेते हैं। तेजी और जोजो कैसे करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ 450 है, 450 में 100 ऐड किया तो 550, यानी एक बार ऊपर जा रहे हैं तो 100 ऐड हो रहा है। तो 550 में 100 ऐड किया तो 650, 650 में 100 ऐड किया तो 750 दिया हुआ है, फिर 850, 850 में 100 ऐड किया तो 950, ठीक है, तो यहाँ 950 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 720 में 10 ऐड किया तो 730, फिर 10 ऐड किया तो 740, यहाँ 750 दिया है, फिर 10 ऐड करेंगे तो 760, फिर 770 और 780, ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर 845 है, इसमें 15 ऐड किया तो 15 ऐड किया तो 860, फिर 15 ऐड किया तो 875, फिर 15 ऐड किया 890, फिर 905 और 15 ऐड किया तो 920, ये लाइन हो गई। यहाँ 830 है, उसमें 30 ऐड किया तो 860, फिर 30 ऐड किया तो 890, फिर 30 ऐड किया तो 920, फिर 30 ऐड किया तो 950 एंड 980। ओके, अब ये 880 है, इसमें 25 ऐड किया तो 905, फिर 25 ऐड किया तो 930, फिर 25 ऐड किया तो 955 और फिर 20 ऐड किया तो 980, ठीक है। इस तरीके से आप पैटर्न को समझ के और इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, लेट अस डू राइट नंबर सेंटेंसेस फॉर द नंबर्स इन द सेंटर। जो सेंटर में नंबर है उसको और कितने तरीके से हम लिख सकते हैं वो बताना है, जो मैच होने चाहिए। तो पहला है 400, इसमें 290 और 110 को ऐड करेंगे तो 400 आएगा, ऐसे 200 और 200 भी 400 होता है, 500 में से 100 माइनस करेंगे तो भी 400 आएगा, 350 में 50 ऐड करेंगे तो भी 400 आएगा, 150 और 250 को ऐड करेंगे तो भी 400 आएगा। ऐसे ही 775 है, तो यहाँ दिया हुआ है 750, उसमें 25 ऐड किया तो 775 आएगा। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 800 माइनस 25, 700 प्लस 75, 1000 माइनस 225, 770 प्लस 5, ठीक है। किसी भी तरीके से लिख के हमें 775 लाना है कैलकुलेशन करने के बाद। अब यहाँ दिया हुआ है राइट नंबर्स इन ब्लैंक स्पेसेस सच दैट दे मीट द कंडीशन। यहाँ हमें क्रोकोडाइल का मुंह दिया हुआ है, जिससे हमने ग्रेटर देन और स्मॉलर देन सीखा था। तो जिस तरफ दोनों फेस, इसके जो माउथ होता है ओपन होता है वो नंबर बड़ा होता है, और जिस तरफ क्लोज होता है वो नंबर छोटा होता है। तो जैसे सेंटर में 400 है, इससे सभी नंबर बड़े होने चाहिए इस बॉक्स में। सो 490 भी बड़ा है, 475 भी बड़ा है, 450 भी बड़ा है और 500 भी बड़ा है। इसका मतलब सेंटर में का नंबर इन सबसे छोटा है। अब यहाँ हमें सब नंबर दिए हुए हैं और सेंटर का नंबर इनसे छोटा होना चाहिए। सो 419 से छोटा, 350, मैंने यहाँ 350 ले लिया, 315 सभी नंबर से छोटा है, 385 से भी, 425 से भी और 436 से भी।
अब इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है नंबर पजल, एक पजल दी है जिसमें चार बॉक्सेस हैं और हमें स्मॉलर देन और ग्रेटर देन का साइन दिया हुआ है। ये चार नंबर हमें फिल करने हैं ताकि सारा जो पैटर्न है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। सो फिल द नंबर 384, 23, 176 एंड 905 इन द एम्प्टी सर्कल्स सच दैट दे मीट द कंडीशन। तो चार नंबर है, सबसे छोटा है 23, तो मैं यहां लिख रही हूं 23 क्योंकि इसके दोनों तरफ जो साइन है वो स्मॉलर देन का है कि 23 इसमें सबसे छोटा है। फिर 23 से बड़ा 176, देखो 176 की तरफ इसका फेस ओपन है। फिर 176 से बड़ा 384, 384 से बड़ा 905 और 905 23 से बड़ा है। तो इस तरीके से हम साइंस को ढूंढ के कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है और मैच कर देंगे। सो इसके साथ हमने पार्ट वन चैप्टर 9 का कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। यू कैन वॉच इट वन मोर टाइम टू हैव अ बेटर क्लैरिफिकेशन। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।